हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ KGF चैप्टर 2 का पोस्टर। भाई साहब क्या मूवी बनी है, लिटरली अमेजिंग। तो इस पोस्टर को बनाने के लिए मैं ये सारी इमेजेस का यूज करने वाला हूँ। ये सभी इमेजेस मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है, तो अगर प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को इमेजेस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फोटोशॉप में चलते हैं। तो सबसे पहले जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मतलब रॉकी भाई, रमिका सेन और अधीरा। इनको मैं एक एक करके क्रॉप करूंगा और यहाँ पर ऐड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रॉकी भाई से। ये सलाम रॉकी भाई, सलाम। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मैं यहाँ सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा। ये बहुत सही ऑप्शन दिया है फोटोशॉप ने, फोटोशॉप भी अपनी प्रॉब्लम समझता है। एक क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो, कोई मगजमारी नहीं। बात तो सही है, तो काफी सही सेलेक्ट हो गया है। बस कुछ माइनर सी चीजें हैं, उनको मैं मैन्युअली फिक्स कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन से इसको रिफाइन एज कर लेते हैं, ताकि जो हेयर का सेक्शन है वो और अच्छे से मास्क आउट हो जाए। अब इसको ड्रैग करके अपने मेन डॉक्यूमेंट पे ले आते हैं। अब एग्जैक्ट सेम मेथड का यूज करके मैं बाकी दो कैरेक्टर्स को भी क्रॉप करूंगा और उनको यहाँ ले आऊंगा। तो हमारे तीनों कैरेक्टर्स प्लेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऐड करूंगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं इस इमेज का यूज कर रहा हूँ। ये माइनिंग का ही प्लेस है, अब पता नहीं गोल्ड का है या किसी और चीज का। एनीवेज, इसका स्काई मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसको भी ड्रैग करके मेन डॉक्यूमेंट पे ले आते हैं। अब एक और माइनिंग प्लेस की इमेज को मैं यहाँ ऐड करूंगा, इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ। इसका जो सामने का पोर्शन है, मतलब ये जो मिट्टी वाला पोर्शन है, उसको क्रॉप करके यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। अब स्काई के लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, मैंने ओरिजिनल स्काई इसलिए रिमूव किया था ताकि थोड़ा ड्रामेटिक स्काई ऐड कर सकूं। और अभी तुम लोग देख सकते हो इसको ऐड करने के बाद ये काफी अच्छा लगने लगा है, ओरिजिनल स्काई से तो बेटर है। तो अब स्काई चेंज हुआ है, तो बैकग्राउंड को इससे मैच कराएंगे, क्योंकि अभी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मिनट, ये तो सच में जमीन और आसमान है। तो कलर मैच कराने के लिए मैं कलर बैलेंस का यूज कर रहा हूँ, और लाइट मैच कराने के लिए लेवल्स का यूज कर रहा हूँ। यू नो इट, अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो ना। अगर नहीं देखते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब बैकग्राउंड में मैं सनसेट जैसा कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सॉलिड कलर लेयर ऐड करूंगा। इसमें ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूंगा। अब इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखूंगा। अब एक और सॉलिड कलर लेयर ऐड करके यही सेम मेथड अप्लाई करूंगा, ताकि सामने की तरफ, मतलब जो माउंटेन वाला एरिया है, उस पर भी लाइट पड़े। अब ये जो फ्रंट का पोर्शन है उसका भी कलर मैच करा लेते हैं, इसको भी सेम मेथड से करेंगे, पहले कलर बैलेंस फिर लेवल्स। तो अब इसमें मैं डस्ट ऐड करूंगा। अब तुम लोग को पता ही है KGF में कितनी धूल मिट्टी होती है, और वही एक अलग इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो यहाँ मैं ज्यादा डस्ट ऐड नहीं करूंगा, बस जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे ऐड करूंगा। अब जो हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स हैं उनको मैं बैकग्राउंड से मैच कराऊंगा, फिर उनके ऊपर हाईलाइट ऐड करूंगा, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो शेडो भी ऐड करूंगा। अब अगर तुम लोग को नहीं पता है कि हाईलाइट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हाईलाइट कैसे क्रिएट करते हैं, और मैंने अपने कुछ पर्सनल मेथड भी शेयर किए हैं। तो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है।
अब यहाँ मैं मूवी का लोगो ऐड कर लेता हूँ। पहले तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, अब इसको नीचे की तरफ प्लेस कर देता हूँ। पर अभी ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जा रहा है, क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्लैक सॉलिड कलर लेयर ऐड करूंगा, अब नीचे की तरफ पेंट करूंगा, हल्का सा पोस्टर के साइड साइड में भी पेंट करूंगा। अब इसकी ओपेसिटी कम करूंगा, इतना कम करना है कि लोगो बैकग्राउंड से सेपरेट रहे और क्लियर दिखे। अब लोगो को और पॉप कराने के लिए मैं इसमें लेवल्स ऐड करूंगा और इसका सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाऊंगा। वेरी नाइस, अब पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी चीजों को मैंने ऐड कर लिया है, अब अगर कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी तो उनको मैं बाद में फिक्स कर लूंगा। अभी सीधे चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर में और इसको थोड़ा सा टचअप देते हैं, मतलब इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, क्लैरिटी और कलर्स, इन सभी को ऊपर नीचे करके देखूंगा, जहां पर सही लगेगा वहां पर डन कर लूंगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने KGF चैप्टर 2 का पोस्टर बनाया और साथ ही एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीजों को कैसे क्रिएट करते हैं और कौन से टूल्स का मैंने यूज किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने आइडियाज शेयर करना कि और किस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।